हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है, गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, अभी हो रहा है इवनिंग, तो वेरी वेरी सॉरी मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। बट क्या क्या होता है ना कि रोज़ मेरा ब्लॉग जो है ना मॉर्निंग से ही शुरू होता है और आज शुरू हो चुका है इवनिंग से, तो इसलिए मॉर्निंग निकल गया। तो चलो कोई बात नहीं, आप सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे, मैं जब से मैंने ब्लॉग शुरू किया है तब से चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट बना रही हूँ जो है, 1 सेकेंड ट्रेन चली जाए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शरबत, क्योंकि पति देव का आदेश है और ऑर्डर भी है। तो वो शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं और गर्मियों में तो अक्सर वो हर फ्लेवर का लाते रहते हैं। तो बस क्या है, पानी घोलो, पानी पानी लो, चीनी डालो और बस वो जो फ्लेवर होता है वो हर फ्लेवर का उनको पसंद है, तो अपने 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 टेस्ट के अकॉर्डिंग ले आते हैं। तो बस उसको उसमें डाल दो, फटाफट शरबत तैयार है। शरबत जो है बनाने में कहाँ टाइम लगता है। और हाँ, नींबू, पहले नींबू आता था ना तो उसको निचोड़ने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता था, और अब तो जो है फटाफट बस बनाओ और दो। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ साड़ी, और आप लोग सोच रहे होंगे शाम को मैं कपड़ा धुलने बैठी हूँ, तो जी हाँ, इस टाइम मैं शाम को ही सारे कपड़े धुलती हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कपड़े मैं धुल रही हूँ अपने, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़े ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और इस टाइम जब मेरे पास टाइम रहता है ना तो मैं शाम को धुल लेती हूँ। और पति देव की बहुत 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 बड़ी शिकायत मुझसे थी कि तुम बच्चे का ध्यान नहीं देती हो, क्योंकि ये जो है, तो मैंने कहा चलो आज के लिए शिकवे दूर कर लेते हैं सारे। और मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैंने बना लिया और मैंने कहा चलो वैसे मैं वीडियो में अपने बेबी को क्या खिलाती हूँ, कब नहलाती हूँ, कब कभी कभी दिखाती हूँ, हमेशा नहीं दिखाती हूँ। तो पति देव जो है आज मुझसे बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको देती हूँ और आप देख लेना, सारे गिले शिकवे जो हैं हम लोगों के वो दूर हो जाएंगे, बैठ कर मसले को सुलझा लेंगे, जितनी भी गलत फहमी है हम लोगों को सब दूर कर देंगे आज। तो इसीलिए मैंने जो है वीडियो बनाया। तो मेरा बेटा खेल रहा था और वो कहते हैं शाम को तो फ्री हो जाती हो, शाम को क्या काम रहता है। तो मैंने कहा चलो आज आपकी गलत फहमी दूर कर देते हैं। हाँ, तुम्हारी ही बात हो रही है बेटा। अभी अभी ये सोकर उठे हैं और अक्कू अक्कू कर रहे हैं, अक्कू अक्कू कर रहे हैं। तो फिर जो है मैंने कहा, तो बस हाँ, बस इसीलिए ये ब्लॉग मैंने बनाया, नहीं तो शायद मैं बनाती भी ना, क्योंकि शाम को मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। आप लोग मेरा मॉर्निंग का और जो है आफ्टरनून वाला ब्लॉग देखते हैं, आज आप लोग इवनिंग का भी ब्लॉग देखेंगे। यहाँ देखिए पति देव आ चुके हैं और वो मेरे लिए लेकर आए हैं इमरती, और उनको पीना है शरबत। तो देखिए बगल में शरबत रखा है, तो मैंने कहा चलो दोनों साथ में ही पी लो। लेकिन नहीं, इमरती मुझे पसंद है, मैं खाऊंगी और पतिदेव शरबत पियेंगे, क्योंकि ये वाला फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे नींबू वाला फ्लेवर जो होता है ना वो पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे भी यहाँ पर इमरती खाने जा रहा है, तो मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी सी म्यूट कर दी है, क्योंकि इसका जो वॉकर है ना उसमें सॉन्ग बजता है, तो उसमें इसने सॉन्ग बजाया था, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। नहीं तो ये देखिए मैं बुला रही थी और कैसे देख रहा था ये, है ना बेटा। तो अभी ये सोकर उठा है, अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब ये सोकर उठा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। और ये देखिए आज पति देव कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, तो ये लेकर आए हैं लैया मार्केट वाली, जो कि सब मिक्स है, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है चाय के साथ, लेकिन चाय नहीं बनाऊंगी, शरबत है। तो अभी जा रही हूँ लैया खाने और उसके बाद शरबत है, शरबत पीऊँगी। और खाने में आज क्या बना है, हाँ आज मूंग की तहरी बनी है, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा आइटम हो जाता है ना ये जो है, उस दिन मैं तहरी ही बनाती हूँ। देखिए अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और इस बच्चे को देखिए बेड से बस थोड़ा सा दूरी पर है और नीचे लटका हुआ है, मैंने इसका पैर जो है पकड़ा हुआ है, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है सच में, और इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। देखिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं इसकी, ये देखिए कैसे लटक रहा है।
पर पतिदेव टीवी देख रहे थे और मैं इसको डांट रही थी, तो ये देखिए हंस रहा था कैसे, नहीं तो मैं शायद जो है आवाज़ कर देती। लेकिन पतिदेव टीवी देख रहे थे क्योंकि ये नहीं सो रहा था, तो वो भी नहीं सो रहे थे, कह रहे थे जब ये सो गया तो मैं भी सो जाऊंगा। तो उनकी भी चांदी थी, इसकी भी चांदी थी आज देखिए। और ये देखिए अब टीवी भी बंद हो चुका है और टाइम हो रहा है 12:30 का, और इस बच्चे को देखिए नींद नहीं आ रही है, कैसे मुझे परेशान कर रहा है। और फिर भी मैं इससे बातें कर रही हूँ, ये सो नहीं रहा है और पतिदेव अभी भी टीवी देख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये सोएगा नहीं तब तक उनको भी नींद नहीं आने वाली है, तो वो भी जग रहे थे। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आप लोगों से मॉर्निंग में, और इसका मैंने रात तक का रूटीन आप लोगों को दिखाया। तो रात का सीन देखकर 100% पतिदेव की गलतफहमी जरूर दूर हो गई होगी, क्योंकि मेरा बच्चा रोज तो सो जाता था और उस दिन वो पक्का नहीं सोया क्योंकि पतिदेव जग रहे थे, वो भी जग रहा था। तो मॉर्निंग में मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने कहा चलो हो गई गलतफहमी दूर, सारे गीले शिकवे ख़त्म हो गए ना। और जब वो रोता है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते, जब तक खेलता रहता है ना तब तक ही वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बना है पास्ता, मॉर्निंग का नाश्ता है। मॉर्निंग के नाश्ते में मैंने बनाया है पास्ता और ये है मॉर्निंग का नाश्ता। तो कितना अच्छा जो है कहने में सेट हो गया, मॉर्निंग में बनाया है, मॉर्निंग के नाश्ते में बनाया है पास्ता। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर में नाश्ता करने के बाद। पापा मारेंगे यार। बाल्टी से बाहर आ जाओ बेटा। अभी ए भी इधर देखो, आओ इधर आओ, आओ आओ। तो फ्रेंड्स अभी अभी जो है मैं भी नहा कर आई हूँ और मैं लगाने जा रही हूँ बालों में बहुत सारा ऑयल। और आज मैंने अपने बच्चे को नहलाया और कितने मस्त होकर नहाया, वो आप लोगों ने देखा ही वो वाला क्लिप, तो बहुत मस्त होकर नहाया वो। अब उसको नहाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है ना मेरा कूटू, है ना मेरा बच्चा। और एडिटिंग कर रही हूँ फिर भी ये देख रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसके साथ वीडियो बनाने में। ना 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 बेटा ना कर, क्या कर रहे हो अभी, तो इसके साथ वीडियो बनाने में मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाएगा ना तो और मज़ा आएगा इसके साथ वीडियो बनाने में, है ना बेटा, है ना बेटा। अभी ये मेरा इतना साथ देता है तो बड़ा हो जाएगा तो और भी मेरा साथ देगा, है ना बच्चे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत दिनों से बालों में ऑयल नहीं लगाया था, तो वही मैं बालों में लगा रही थी ऑयल, और आज बहुत ढेर सारा ऑयल लगाया है मैंने क्योंकि कल इसको करना है वॉश। तो चलिए फिर यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ 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 आप लोग फुल सपोर्ट करो यार, प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दो फ्रेंड, बहुत टाइम हो गया मेहनत करते हुए, तो प्लीज़ अब तो सपोर्ट कर दो। तो चलिए फिर बहुत सारी बातें कर ली और पतिदेव की गलतफहमी भी दूर कर दी। तो चलिए फिर, और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रखे ना बेटा, रख दें अभी, बोल दो लो कुछ, बोल दो, बोलो कुछ, बोलोगे नहीं, नहीं बोलोगे, बोल दो। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करो। तो कल की वीडियो अब कल बनेगी, आज बस इतना ही। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। हाँ 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 ये भी कह रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।